बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देख रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास की श्रृंखला, और दक्षिण भारत के इतिहास को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, पिछले क्लास में हमने चालुक्य देख लिया था और चालुक्य के बाद आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंशों को। तो चलिए शुरू करेंगे राष्ट्रकूट वंश। एक एक वंश को मैं लेकर के चल रहा हूँ ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं हो और हम लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए आज हमें देखना है राष्ट्रकूट वंश को। तो ये जो राष्ट्रकूट वंश था, इस राष्ट्रकूट वंश के अगर संस्थापक की बात करते हैं तो इस राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम था दंती दुर्ग। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा संस्थापक को और इनकी राजधानियों को, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम था दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्य वंशी शासकों को पराजित किया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। यानी वातापी के चालुक्य वंश को पराजित करने के बाद दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, इनकी राजधानी थी मान्यखेट। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों की राजधानी याद रखिएगा मान्यखेट। अब दंती दुर्ग के बाद जो अगले महत्वपूर्ण शासक थे, इनका नाम था कृष्ण प्रथम। ठीक है, अजंता और एलोरा का तो नाम आपने सुना होगा। तो ये दो अलग अलग गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा। तो अजंता नहीं, जो एलोरा की गुफाएं थी, इस एलोरा की गुफा में एक कैलाश मंदिर है, यानी शिव का मंदिर है। तो इस शिव के मंदिर का जो निर्माता था, ये था कृष्ण प्रथम, जो राष्ट्रकूट वंशी शासक था। यानी एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है, ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। ये आपको याद रखना है कृष्ण प्रथम को, आगे मैं एक बार फिर से इसे नोट्स में आपको लिखवाऊंगा। अब आते हैं अगले शासक, जिसका नाम है ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम जो है, इनका पूरा नाम था ध्रुव धारावर्ष। ठीक है, ध्रुव धारावर्ष का नाम आप कन्नौज के लिए जब त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने पढ़ाया था तो वहां पर आपने इसे देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है, इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैंने पिछले सारे वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा, तब फिर इसे देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सभी मैंने एक क्रम से दिया है ताकि आप लोगों को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए, ये जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में दक्षिण की ओर से भाग लेने वाले शासक का नाम था ध्रुव, और ये राष्ट्रकूट वंश के थे। इस तरह से कन्नौज था, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें तीन शक्तियां टूट पड़ी थी। पश्चिम की तरफ से इसमें टूट पड़े थे जो, या जिन्होंने इस संघर्ष को शुरू किया था, वो थे प्रतिहार नरेश वत्सराज। पूर्व की तरफ से इसमें भाग लिया था बंगाल के शासक धर्मपाल ने, और दक्षिण से भाग लेने वाली जो शक्ति थी, इसके शासक का नाम था राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। तो यही ध्रुव ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और ऐसा करने के कारण दक्षिण से भारत, उत्तर भारत में आक्रमण करने वाला पहला शासक बनने की ख्याति भी मिली थी ध्रुव को। इससे पहले जितने भी आक्रमण हुए हैं सब उत्तर से दक्षिण की ओर हुए हैं, लेकिन ये पहला शासक था जिसने दक्षिण से उत्तर भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, तो ध्रुव के बारे में ये महत्वपूर्ण बात हो गई। आइए अब देखते हैं ध्रुव के बाद जो अगले शासक बनते हैं, इनका नाम था अमोघवर्ष। ठीक है, अमोघवर्ष जो थे, इनके बारे में भी आप सुन चुके हैं कि इन्होंने जब जैन धर्म को अपना लिया था तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे, और जब इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था तो उधर प्रतिहारों का रास्ता क्लियर हो गया था और प्रतिहारों ने आसानी से कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष वाले वीडियो में इनका नाम आप सुन चुके हैं। तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे, इनके गुरु का नाम था जिनसेन, जो जैन धर्म के अनुयायी थे। ये साहित्य और कला के प्रेमी शासक थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म अपनाने के कारण शस्त्र विजय तो छोड़ दिया था, इसीलिए कला और साहित्य प्रेमी के रूप में इनको जाना जाता है। ये खुद बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने दो बड़ी पुस्तकें लिखी है जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। एक पुस्तक का नाम है कविराज मार्ग और दूसरी पुस्तक का नाम है रत्न मालिका। तो ये कविराज मार्ग और रत्न मालिका किसने लिखा पूछे, तो आपको बताना है ये लिखा है अमोघवर्ष ने। ठीक है, अमोघवर्ष अब विद्वान थे, इनके दरबार में जो थे ये कई विद्वान रहते थे, जिनमें तीन विद्वान प्रमुख है। प्रथम विद्वान का नाम है जिनसेन। जिनसेन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आदि पुराण। ठीक है, दूसरे विद्वान का नाम था महावीराचार्य। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी। तीसरे विद्वान थे शक्टायन, और शक्टायन ने अमोघवृत्ति, ठीक है,
अमोघ वर्ष के बारे में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अमोघ वृति। तो इस प्रकार से ये जो दरबारी विद्वान हैं अमोघ वर्ष के, ये तीन दरबारी विद्वान और इनकी रचनाएं परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। जीवन के अंतिम समय में इन्होंने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले ली थी। ये भी पूछा जाता है आपको परीक्षाओं में कि किस शासक ने जल समाधि ले ली थी, तो ये जल समाधि लेने वाले जो शासक थे, इस शासक का नाम था अमोघ वर्ष। ठीक है, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रकूटों से संबंधित और इसको ख़त्म करेंगे। तो शासक जो है ये इतने ही महत्वपूर्ण हैं, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। वीडियो के लिए आप लोगों से किसी तरह का कोई फीस या कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। तो कम से कम उम्मीद यही रखूंगा आप लोगों से कि आप लोग वीडियो में एक जो अंगूठे का बटन है उसको जरूर दबा दीजिए और अपनी गुरु दक्षिणा अदा कीजिए। ठीक है, और अगर हो सके तो अपने मित्रों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं नोट को। नोट में पहला पॉइंट है दंती दुर्ग, जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, अभी हमने देखा दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। ठीक है, तो पूछता है राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था, तो ये किया था दंती दुर्ग ने। ठीक है, इसके बाद आइए अगला पॉइंट। राष्ट्रकूट काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था ये था कन्हहरी बोध विहार। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो ये था कन्हहरी बोध विहार। अब ये जो राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट शासकों ने कन्नड़ भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन दिया, यानी राष्ट्रकूटों के काल में कन्नड़ भाषा की उन्नति हुई थी, इसे भी आपको याद रखना है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है। तो कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न जो है ये तीन विद्वानों को कहा जाता है, एक का नाम है पंपा, दूसरे का नाम है पोन्ना और तीसरे का नाम है रन्ना। तो ये पंपा, पोन्ना और रन्ना कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं। कभी कभी कन्नड़ के साथ साथ तमिल साहित्य का त्रिरत्न भी पूछ लिया जाता है। तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न जो थे ये थे कम्बन, ओड़नकुट्टन और पुंगलेदी। ठीक है, तो ये तीन, कम्बन, ओड़नकुट्टन और पुंगलेदी, ये तीन विद्वान, इन्हें तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, ये जो कम्बन थे इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा जो पूछा जाता है परीक्षाओं में कि तमिल रामायण किसने लिखा। तो ये जो कम्बन थे इन्होंने तमिल रामायण लिखा था या रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट है, राष्ट्रकूटों के काल में दक्षिण भारत में पौराणिक हिंदू धर्म की उन्नति हुई। ठीक है, राष्ट्रकूटों के काल में हिंदू धर्म की उन्नति हुई, लेकिन अमोघ वर्ष के शासनकाल में दक्षिण भारत में जैन धर्म का विकास हुआ। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, राष्ट्रकूटों के काल में विशेष करके हिंदू धर्म की उन्नति हुई, लेकिन अमोघ वर्ष के काल में जैन धर्म का विकास हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं, राष्ट्रकूट शासकों ने अपने क्षेत्र में, है ना, मतलब अपने राज्य क्षेत्र में मुस्लिम व्यापारियों को व्यापार करने की छूट दी और साथ ही साथ वहाँ निवास करने की भी छूट दी थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, है ना, पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूटों ने अपने जो राज्य क्षेत्र था वहाँ पर मुस्लिम व्यापारियों को रहने का छूट दिया था और साथ ही साथ व्यापार करने की भी छूट दे रखी थी। तो इसी के साथ में हमारा जो राष्ट्रकूट वंश था, ये राष्ट्रकूट वंश का इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। और वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ बच्चे PDF की डिमांड कर रहे थे, तो वीडियो पे जैसे ही लाइक बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेंगे और जैसे ही व्यूज़ ज़्यादा बढ़ेंगे, डिपेंड करता है व्यू पे, ज़्यादा व्यू बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को इसका PDF भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट जाकर गूगल ड्राइव से उसको डाउनलोड कर सकते हैं सीधे। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए आपको करना ये है कि वीडियो को एकदम लाइक और शेयर कीजिए ताकि व्यू मेरा बढ़े। मेरा वीडियो का अगर व्यू बढ़ता है तो मैं आप लोगों को PDF फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए आज इतनी ही बातें करके इस क्लास का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।